मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इस वक्त मौजूद हूं पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक्सिस बैंक है और यहीं से कल देर शाम एक ऐसी खबर मिली थी जिससे कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली में चौंकाने वाली खबर थी। अक्सर आप बैंक जब जाते होंगे तो निश्चिंत रहते होंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, लेकिन एक ऐसी वारदात जिसने सबको डर पैदा कर दिया अंदर और एक भय भी अंदर हो गया। क्योंकि आपको बता दें कल देर शाम एक नाबालिग बच्चा एकदम से आता है अचानक अंदर और सीधा बैंक मैनेजर से मिलता है। उसके पास एक गैजेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसको लेकर जाता है और सीधा कहता है कि ये बम है, अगर आप 10 लाख रुपए नहीं देते तो मैं इसको यहीं विस्फोट कर दूंगा। सोचिए जैसे ये बात एक नाबालिग करता है उसके बाद तमाम स्टाफ में हड़कंप मच जाता है, चौंक जाते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आलाकमान आती है और इस पूरे मोर्चे को अपने हैंडल में लेती है और गंभीरता से इसकी पूरी अलग अलग एंगल से जांच करती है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ज़रा देखिए विकासपुरी का ये एक्सिस बैंक है, यहीं से वो कल खबर सोशल मीडिया पर आई थी। तमाम जो लोगों के बीच में ये मैसेज जा रहा था कि बम विस्फोट हो गया। मैं आपको इस समय ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि विस्फोट नहीं हुआ, हालांकि जांच के बाद जो प्राथमिकता जांच थी उसमें साफ हुआ कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, वो किसी भी तरह का कोई बम नहीं था। लेकिन इससे पहले बता दें कि ज़रा देखिए ये बहुत ही पॉश इलाका है विकासपुरी का, जाना माना ये PVR के पीछे का ये वो इलाका है जहाँ एक्सिस से सटे कई सारे बैंक हैं। आपको बता दें सिर्फ एक्सिस बैंक ही नहीं है बल्कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है, मार्केट है और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हर मिनट सैकड़ों लोगों की आवाजाही होती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक है, लेकिन आपको बता दें कि जब आप एक्सिस बैंक आते हैं या किसी भी बैंक में जाते हैं तो आप एक चीज़ तो निश्चिंत होते होंगे कि किसी भी तरह के यहाँ पर कोई धमकी या किसी तरह का विस्फोटक इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आएगी। और जैसे ही ये कल सामने आई ये बात तो लोग चौंक गए और सामने कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक बड़ा जांच का विषय भी है। इससे पहले सोशल मीडिया यूट्यूब से देख के ही 3 नाबालिग बच्चों ने बम बनाना शुरू किया था और उसके बाद वो विस्फोट भी हो गया, बच्चे चोटिल भी हो गए। और कहीं ना कहीं अब ये दूसरा मामला सामने आया जहां एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बम बताता नाबालिग बैंक के अंदर घुसता है और मैनेजर से 10 लाख की रकम भी मांगता है, एक मोटी रकम की मांग करता है। सोचिए एक नाबालिग के अंदर इस तरह की सोच कहाँ से आती है, क्या इसके पीछे कोई बड़े गैंग का हाथ तो नहीं जहाँ नाबालिग को ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी में नाबालिग को आगे किया जाता है। कि साफ तौर पर आपको भी पता है कि नाबालिग के लिए क्या कानूनन उसके लिए हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खैर पुलिस का जांच का एंगल है कि वो अलग अलग तरीके से इसके जांच की जाए कि आखिर नाबालिग किसके कहने पे आया, किस मकसद से आया वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अलर्ट करने वाली बात है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि हालांकि किसी बच्चे को आप बच्चा समझते हैं उसके पास किस तरह की डिवाइस है वो देखने वाली बात है, और वो बच्चा वो डिवाइस लेके आया क्यों। और सबसे बड़ी बात बता दें आप ही, आपको देखिए एक्सिस बैंक ठीक तस्वीर में देख रहे होंगे आप, जब से ये हड़कंप मचा जो नाबालिग बच्चा विस्फोट करने के मकसद से आया था बम लेकर, उसके बाद से बैंक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहाँ मौके पे सिक्योरिटी गार्ड भी अभी आपको बता देते थे, लेकिन जितने भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं उनके बैग अक्सर हुआ थे लेकिन अब बाहरी बैग रखवा दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कस्टमर आए उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन वो कैमरा फेस करने से साफ मना कर रहे हैं। लेकिन हालांकि आपको जानकारी दे दे कि बैग इनका बाहर रखा जा रहा है। जब से ये बड़ी बात सामने आई है कि एक नाबालिग नकली डिवाइस लेके अंदर जाता है जिसको वो बम बताता है, उसके बाद से सिक्योरिटी बढ़ गई है बैंक की। अब ज़रा सोचिए विकासपुरी जैसे इलाके में जहाँ पोस इलाका है और यहाँ कई सारे बैंक है लाइन में, उसके बावजूद भी एक नाबालिग, हिम्मत देखिए नाबालिग की कि वो किस तरह से आता और सीधा बैंक मैनेजर को वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहता है कि बम है और उसके बाद 10 लाख की रकम मांगता है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से जांच करती है, आखिरकार क्या कुछ सामने आता है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाज़त, फिलहाल नमस्कार। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।